नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने किया विशेष इंतजाम। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में बिहार ने किया देश भर में चौथे स्थान पर कब्जा। मोबाइल ऐप के जरिए होगी सड़कों की मॉनिटरिंग। खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना अगले साल होगी पूरी। यूएई में खेला जाएगा एशिया कप 2022। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना अगले साल होगी पूरी। सात निश्चय टू योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अरविंद कुमार चौधरी ने हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना के तहत मनरेगा अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना के तहत जो विभागीय योजनाएं चल रही हैं वह अगले साल तक पूर्ण कर ली जाएंगी। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी नलकूप योजना को बढ़ाने की दिशा में भी संबंधित विभाग गहन विमर्श कर प्रस्ताव तैयार करें। सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग किया जाएगा। पिछली बैठकों में हुई बातों पर ध्यान देते हुए तेजी से काम को आगे बढ़ाएं ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर हर खेत तक सिंचाई निश्चय योजना का काम पूरा हो सके। श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाने के लिए विभाग ने किया विशेष इंतजाम। श्रावणी मेला और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक ठोस कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग मंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं को निःशुल्क आयुष काढ़ा बांटा जाएगा। इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच, सुल्तानगंज, भागलपुर, HSC तेघड़ा, तारापुर मुंगेर और जिलेबिया बांका में स्थापित अस्थायी कांवड़िया शिविर चयनित किए गए हैं। चयन किए गए तीनों स्थानों पर काढ़ा वितरण की निगरानी जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी भागलपुर तथा जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी मुंगेर द्वारा किया जाएगा। तीनों शिविरों में कुल 45 आयुष चिकित्सकों की 3 पालियों में प्रतिनियुक्ति की गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में बिहार ने किया देश भर में चौथे स्थान पर कब्जा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में बिहार कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सबसे अधिक टीकाकरण करने के मामले में टॉप 5 में शामिल है। जानकारी के मुताबिक बिहार सर्वाधिक टीकाकरण के मामले में देश भर में चौथे स्थान पर है। बिहार से ज्यादा टीकाकरण करने के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल आगे है। अब तक बिहार में कुल 14,08,00,000 से अधिक वैक्सीन का डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। बिहार में कोरोना टीकाकरण को लेकर 5 जिलों में हुए टीकाकरण की रैंक भी तैयार की गई है। इसमें पटना जिला में सर्वाधिक टीकाकरण किया गया है। 25 जुलाई तक होगी राज्य में छिटपुट बारिश। 20 जुलाई से एक बार फिर से राज्य में मॉनसून सक्रिय है। वहीं आज के लिए भी मौसम विभाग ने भोजपुर, नवादा, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर के लिए कुछ जिलों में बारिश और ठंड के को लेकर अलर्ट जारी किया। मॉनसून की सक्रियता के साथ साथ झारखंड में चक्रवाती पर संचरण का क्षेत्र बना हुआ है। बिहार के डेहरी से ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। IMD के लेटेस्ट अपडेट में बिहार में 22 से 23 जुलाई 2022 तक एक बार फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन बिहार में 25 जुलाई के बाद से बारिश की रफ्तार कम होने की बात गई है। मोबाइल ऐप के जरिए होगी सड़कों की मॉनिटरिंग। बिहार का पथ निर्माण विभाग सिर्फ सड़क निर्माण ही नहीं बल्कि उसके रखरखाव पर भी काम कर रही है। इसके लिए पथ निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों के रखरखाव और मॉनिटरिंग के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है जहां से बिहार की सभी सड़कों पर नजर रखी जाएगी। इस कमांड सेंटर का उद्घाटन करते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अब राज्य के 13,000 किलोमीटर सड़कों की निगरानी तकनीकी माध्यम से की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य भर में सड़कों के रखरखाव के वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा लेगी। इस कंट्रोल सेंटर के निर्माण के बाद सड़कों की मरम्मत एवं अन्य समस्याओं का समाधान 3 दिन से 1 महीने के बीच हो जाएगा। सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको भी चाहिए सरकार से अनुदान, तो आज से करें आवेदन। बिहार सरकार बिजली उत्पादन के लिए सोलर प्लांट को बढ़ावा दे रही है और यही वजह है कि अब राज्य में निजी परिसरों में भी सोलर प्लांट लगाने पर बिहार सरकार अनुदान देती है। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया पहले से ही लागू है लेकिन निजी परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर आवेदन की प्रक्रिया लगभग 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर शुक्रवार यानी आज से शुरू है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी परिसर में 1 से 10 किलोवाट जबकि हाउसिंग सोसाइटीज में 500 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगवा सकेंगे। कंपनी अफसरों के मुताबिक आवेदन को लेकर 22 जुलाई से साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। आप वहाँ से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। CBSE 12वीं के रिजल्ट में
छात्राओं ने मारी बाजी। सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी है। परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 98.93% रहा है। वहीं केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 97.04% रहा है। इस साल कुल 92.71% अभ्यर्थी पास हुए हैं। अभ्यर्थी सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट अपना रिजल्ट डिजी लॉकर पर भी चेक कर सकेंगे। राज्य के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों का होगा सर्वेक्षण। राज्य में सभी महत्वपूर्ण मंदिरों का सर्वे किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2016 में ही 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों जो धार्मिक न्यास परिषद से जुड़े हुए हैं उनकी चहारदीवारी के निर्माण का काम शुरू किया गया है। इनमें अब तक 295 मंदिरों की चहारदीवारी बन गई है। इस काम के पूरा होने के बाद चहारदीवारी के लिए उन सभी मंदिरों का सर्वेक्षण कराया जाएगा जहां श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों की घेराबंदी होने से श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी, साथ ही मंदिर की जमीन अतिक्रमण मुक्त रहेगी और मंदिर परिसर से किसी वस्तु के चोरी होने का भय भी नहीं रहेगा। अब कॉलेजों में पढ़ाई की रोज होगी मॉनिटरिंग। बिहार के कॉलेजों में पढ़ाई होती है या नहीं, शिक्षा विभाग अब इसकी मॉनिटरिंग करेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का यह बहाना नहीं चलेगा कि शिक्षकों की कमी है या विद्यार्थी कक्षाओं में नहीं पहुंचते हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई की रोज मॉनिटरिंग करने का फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसको सरकार पूरा करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों को अब हम अस्थायी संबंधन दे रहे हैं लेकिन उन्हें ईमानदारी से पढ़ाना होगा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए बिहार में अलर्ट जारी। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। मालूम हो कि अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 24 से 30 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी। इसको लेकर बिहार में रेलवे स्टेशन, बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के दफ्तरों और अन्य सरकारी बिल्डिंगों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए राजधानी पटना सहित छपरा, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में एयरफोर्स परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक 2-2 घंटे की 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। बगैर कोई काम डॉक्टरों ने उठाए 1 महीने का वेतन। बिहार सरकार अब सभी क्षेत्रों में कार्यों की समीक्षा को लेकर ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संजीवन पोर्टल पर ऑनलाइन डॉक्टरों के कार्यों की समीक्षा में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल संजीवन पोर्टल पर जारी किए गए डाटा में यह पता चला है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों के 33.42% डॉक्टरों ने 1 महीने बिना काम किए वेतन लिया है। बिहार के 33.42% डॉक्टरों ने 1 महीने में ओपीडी में एक भी मरीज का इलाज नहीं किया है। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सभी डॉक्टरों के ओपीडी में मरीजों के इलाज की जानकारी एकत्र की जाती है। इसके लिए डॉक्टर्स मॉनिटरिंग सेल बना है, इसी में यह खुलासा किया गया है। किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनने वाले किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया और इसके लिए निविदा निर्गत कर दी गई है और निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2022 है। इस बात की जानकारी बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि NH 327 पश्चिम बंगाल से अररिया तक 4 लेन चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके निर्माण में किशनगंज के लिए अतिरिक्त 4 लेन मार्ग उपलब्ध हो जाएगा, जिससे पश्चिम बंगाल में बिना प्रवेश किए किशनगंज तक जाना संभव होगा और सीमांचल के क्षेत्र बेहतर सड़क संपर्कता से जुड़ेंगे। बता दें कि 22.719 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर करीब 747.48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जगदानंद हुए बीजेपी पर हमलावर। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं निर्दोष को भी दोषी बना देती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि यह संस्थाएं किसी को भी फंसाकर दोषी बना देती है और जब कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वह सभी आरोपों से मुक्त हो जाता है। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों की आदत आरोप लगाने की है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि लालू प्रसाद यादव के पास कोई अवैध धन नहीं है। UAE में खेला जाएगा एशिया कप
2022। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कहा कि अभी एशिया कप 2022 जो कि इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाना है, टूर्नामेंट की मेजबानी करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल श्रीलंका में इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक संकट आया हुआ है, यही कारण है कि श्रीलंका क्रिकेट ने लंका प्रीमियर लीग LPL के तीसरे एडिशन को भी स्थगित कर दिया है। इसी बीच BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि एशिया कप जो श्रीलंका में होना था अब इसका आयोजन UAE में होगा। बोर्ड के एपेक्स काउंसिल की मीटिंग के बाद सौरभ गांगुली ने कहा कि एशिया कप UAE में होगा क्योंकि यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां बारिश नहीं होगी। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 21,880 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 149,482 हो गई है, जहां देशभर में कुल 60 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 472 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 159 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सलीम भाई, उमेश ऋषिदेव, कैलाश सिंह, कविता कुमारी, पवन सिंह, बिम्बिम, विपिन, देवनाथ गोंड, शिशुपाल कुमार, विक्रम बिहारी, आकाश पटेल बेलवा, धनंजय सिंह, अजीत यादव, राजकुमार प्रसाद, चंदन झा और शंकर मुखिया। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।